हम जो भी सुनते हैं, जो भी देखते हैं, जो भी खाते हैं, जिस चीज को भी हम स्पर्श करते हैं, उन सभी को हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है। मतलब कुल मिलाकर जो भी सेंसेशन हम महसूस करते हैं, असल में वो हमारा ब्रेन ही महसूस करता है। मान लीजिए आपको एक ऐसी कंडीशन पर इमेजिन करने को कहा जाए जिसमें आपका पूरा शरीर ढंग से तो काम कर रहा है, आप सांस ले पा रहे हो, आपका हृदय धड़क रहा है, लेकिन आपका ब्रेन बेसिक लेवल पर ही काम कर रहा है। मतलब केवल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ही काम करे, ढंग से चीजों को आप देख ना पाए, न ही साउंड वेव जो हमारे कान में आ रही है उसको ब्रेन प्रोसेस कर पाए। आप लोगों को देख पा रहे हो लेकिन आप उनके तरफ उंगली उठाकर उन्हें पॉइंट न कर पाए, या आप जीवन भर बेहोशी की हालत में रहें, है ना, बिल्कुल भयावह सिचुएशन। ऐसी ही सिचुएशन होती है व्यक्ति की कोमा में। कोमा एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है डीप स्लीप। कोमा एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें व्यक्ति का शरीर जीवित रहता है, उसका हृदय धड़कता है, वह सांस ले पाता है, उसकी किडनी काम करती है, उसका हर एक चीज काम करता है, लेकिन व्यक्ति का ब्रेन या तो हाफ डेड हो गया होता है या पूरी तरीके से डेड हो गया होता है। ये है ना बिल्कुल ही डरावनी कंडीशन। अगर किसी व्यक्ति के दिमाग में बुरी तरीके से चोट लग जाए, दिमाग में इन्फेक्शन हो जाए, किसी भी तरीके से ब्रेन में ब्लड सप्लाई ही बंद हो जाए जिससे ब्रेन को ऑक्सीजन ही न मिल पाए, तो व्यक्ति का ब्रेन डैमेज हो जाता है। व्यक्ति का ब्रेन किसी भी प्रकार के सेंसेशन को प्रोसेस ही नहीं कर पाता है। और फिर जब किसी जानने वाले या रिलेटिव को ये पता चलता है कि व्यक्ति की कंडीशन इतनी बुरी हो गई है, तो वो उस व्यक्ति को तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाता है। अब हॉस्पिटल में कोमाटोस पेशेंट के साथ क्या होता है, जब डॉक्टर ये डिक्लेयर कर देता है कि व्यक्ति कोमा में है, तो कोमा में पेशेंट को अनुभव कैसा होता है और पेशेंट के साथ डॉक्टर क्या क्या करता है, वह सब बात आपको बताते हैं। जैसे ही पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, सबसे पहले डॉक्टर पेशेंट का इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी कर उसके ब्रेन की एक्टिविटी को चेक कर ये पता लगाता है कि व्यक्ति का ब्रेन कितने प्रतिशत काम कर रहा है। यह सब चेक करने के बाद डॉक्टर अगर ये कंफर्म कर दे कि व्यक्ति कोमा में है, तो फिर डॉक्टर व्यक्ति के कोमा को 3 से 15 के स्केल में रैंक करता है। यहाँ पर 3 से मतलब यह है कि व्यक्ति को बहुत ही सीवियर यानी गंभीर किस्म का कोमा हो गया है, बहुत ही डेंजरस किस्म का। वही 15 का मतलब है व्यक्ति सचेत है, वो रिस्पॉन्ड कर सकता है और उसके कोमा से रिकवर होने के चांसेस रिलेटिवली ज्यादा है। अब इस बात से आप ये तो समझ ही गए होंगे कि हर कोमा एक जैसा नहीं होता है, कुछ कोमा बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं तो कुछ में रिकवरी की चांसेस बहुत ज्यादा होती हैं। सीवियर यानी गंभीर टाइप के कोमा, जैसे वेजिटेटिव स्टेट ऑफ कोमा, जिसमें व्यक्ति स्माइल कर सकता है, बोल सकता है, लेकिन उसका ब्रेन बिल्कुल बेसिक लेवल पर काम करता है। और एक होता है कैटाटोनिया कोमा, जिसमें व्यक्ति का ब्रेन बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं कर पाता है, बस व्यक्ति बेहोशी की हालत में दिन भर रहता है और वो कुछ भी नहीं कर पाता है। और एक होता है कोमाटोस पेशेंट का ब्रेन डेड हो जाना, यानी व्यक्ति के बचने के चांसेस बिल्कुल 0%। व्यक्ति का बाकी का शरीर तो काम कर रहा है लेकिन उसका ब्रेन अब डेड हो चुका है। ऐसा देखा गया है कि कभी कभी सीवियर कोमा वाले पेशेंट को वेंटिलेटर पर भी रखा जाता है, लेकिन एक गंभीर कोमा पेशेंट सपने देख पाता है कि नहीं, ये बात पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। पर कुछ का कहना है कि ऐसे पेशेंट भी सपने देख सकते हैं। और कुछ कम खतरनाक कोमा पेशेंट को कुछ एक्सटर्नल स्टिमुलस जैसे गहरे चोट देकर या फिर बार बार रिलेटिव्स की फोटो को दिखाकर या आवाज को सुनाकर, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि हीरो हीरोइन की आवाज सुनकर ठीक हो जाता है, ठीक वैसे ही ऐसे पेशेंट को रिकवर किया जा सकता है। जी हाँ, फिल्मों में दिखाए जाने वाली बातें थोड़ा बहुत सही हैं, लेकिन पेशेंट बहुत ज्यादा सीवियर कोमाटोज ना हो। जो कोमाटोज पेशेंट रिकवर होने के बाद घर आते हैं, उन्होंने बताया कि उन्हें बहुत ही डरावने डरावने सपने भी आते हैं। इसका मतलब अगर आप बहुत ज्यादा गंभीर कोमा वाले स्टेज में नहीं है तो आपको सपने आएंगे ही आएंगे। लेकिन आपको ये बता दे कि एक पेशेंट जितना दिन तक कोमा में रहता है उसके ठीक होने के चांसेस उतने ही ज्यादा कम होते जाते हैं। एक बार कोई व्यक्ति कोमा में गया, उसके ठीक होने के चांसेस केवल 58% ही रह जाता है। 4 दिन बाद केवल 7% और 2 हफ्ते बाद तो केवल और केवल 2% ही रह जाता है। तो इस वीडियो में आपको बहुत ही साधारण सी भाषा में ये क्लियर हो गया होगा कि कोमा आखिर होता क्या है। वीडियो कैसा लगा है मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, और अच्छा लगा है तो लाइक कर देना।